Welcome YouTubers to my another video, and this video is related to another section of electronic athlete. इससे पहले भी section electronic athlete में तो को मैंने video चालू ही नहीं किया है. So welcome YouTubers to my another video that is related to an electronic athlete. मैं अपने चैनल पे पहले भी electronic athlete का वीडियो डाल चुका हूँ. इसमें पहले भी योगेश राउत, प्रशांत और अक्षय पहले भी आ चुके हैं. आज हमारे साथ दूसरे प्रशांत हैं. और प्रशांत, बेसिकली मैं आपको बता दूँ, थैंक्स फॉर कमिंग टू माय चैनल. इस चैनल पे इस पर्टिकुलर सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक एथलीट में हम उन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं जो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं रादर देन डूइंग द डेली नॉर्मल एक्टिविटीज. आइदर वो गेमिंग हो गया या कुछ यूट्यूब रिलेटेड स्टफ हो गया है. तो थैंक्स फॉर कमिंग टू माई चैनल. कैसा लग रहा है आप आपको आके? अच्छा तो लग रहा है यहाँ पे आके. और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. और सुना, आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, बट स्टिल यू हैव टेकन आउट टाइम फॉर कमिंग टू माय चैनल. लेकिन आज मैंने finally time nikala hoga. absolutely it will be a fun talk. yes. we'll be talking about different kind of stuffs which you are doing, aapke kya future plans hai, so we'll talk about that. so prashant, recently meri kahani aapne ek video release kiya hai. ye video shoot karne ka aapko idea kahan se aaya? actually ye idea hai na ki hamare ek meri kahani ke producer hai sumit natekar. okay sumit natekar. ha unka ek project tha ki meri kahani, actually naam nahi tha ye. लेकिन इस पे एक प्रोजेक्ट बनाने का था हमको कि आफ्टर बिफोर लॉकडाउन और बिफोर कोविड सिचुएशन की सिचुएशन क्या थी और बाद में क्या हुआ. बाद में फिर बाद में डिले हो गया कि कोविड आ गया, कोविड सिचुएशन, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन हो गया. यस. उसके बाद जो पुलिस और डॉक्टर थे उन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया और सोसाइटी के लिए बहुत सारी चीजें. और हाँ, क्योंकि उनकी भी फैमिली थी, हमारी फैमिली. राइट. हमारी फैमिली, हम सब लोग घर में साथ में रहते थे. राइट. लेकिन उनकी भी फैमिली थी, बट स्टिल दे हैव टू गो आउटसाइड इन ऑर्डर टू सर्व द कम्युनिटी. दैट वाज एक्चुअली, यू हैव डिपिक्टेड इट वेरी ब्यूटीफुली. व्हाटएवर द पिक्चर यू हैव मेड इट, यू हैव डन इट वेरी ब्यूटीफुली. और पूरा सिचुएशन समझ में आ रहा है दैट दैट वाज अ बिगेस्ट अट्रोसिटीज व्हिच द ह्यूमंस हैव फेस्ड इन सेंचुरी का बोल सकते हैं, द कोरोना वायरस. एंड डेफिनेटली यू हैव मेड अ वीडियोस फॉर द कोरोना वॉरियर्स, सो एब्सोल्युटली इट वाज फैंटाबुलस. एक और चीज मैं आपसे प्रशांत पूछना चाहूंगा कि एक्टिंग आप पहले से करते हो या अभी आपने स्टार्ट किया है? एक्टिंग एक्चुअली मैं पहले से ही करता हूँ. पहले मैंने ड्रामा वगैरह किए हैं. अच्छा. कुछ शॉर्ट फिल्म्स कहाँ पे किया है? यही औरंगाबाद में मैंने ड्रामा किए कुछ और ये शॉर्ट फिल्म्स वगैरह कुछ किए हैं उसमें. शॉर्ट फिल्म्स. तो इसके बाद जो था ना, तो थोड़ा गैप पड़ गया था मेरे को क्योंकि मैं भी जॉब कर रहा था, जॉब की वजह से टाइम नहीं मिल रहा था. डेफिनेटली वो तो टाइम, यूट्यूब इज सम काइंड ऑफ अ पैशन जो थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है करने के लिए. आपके कुछ ड्रामास भी थे, एक स्कूफ बनाया था आपने, दैट वाज योर आत्मनिर्भर वीडियो में था, तो इट वाज एक्चुअली वेरी गुड. तो या एक्चुअली ऐसा था कि आत्मनिर्भर वीडियो पे हमने एक स्कूफ बनाया था, अति सावधान. अति सावधान आपका उसमें, आप उसके अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, उसका क्या था आपका कैरेक्टर? कैरेक्टर एक्चुअली ऐसा था कि वहाँ पे मैंने एक लेडीज का रोल प्ले किया, लेडीज का रोल प्ले किया था. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, यू कैन गो एंड सी कि इन्होंने कैसा लेडीज का रोल प्ले किया था. सो जस्ट गो एंड चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन, यू विल गेट द लिंक ओवर देयर. जरूर देखें. हां जरूर देखें. एक्चुअली वो स्पूफ वीडियो का एक प्लान था कि मेरी एक्टिंग निकालने के लिए और मेरा कैरेक्टर जो इस मेरी कहानी में लगने वाला है, तो उसको उस कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए मुझे स्पूफ का एक आइडिया दिया था. हाँ. कि हम स्पूफ बनाएंगे ऐसा कि कैरेक्टर भी एक डेवलपमेंट होगा उसमें. तो एक्चुअली वो हो गया. तो एब्सोल्युटली वो हम लोग देख ही रहे हो कि बहुत अच्छा उसमें डेवलप हुआ है. ये वीडियो देख के तो हमें बहुत मजा आया. आपके दोनों, एक पहले का जो ड्रामा था वो भी देख करके बहुत मजा आया. अपने कैरेक्टर पे आपने बहुत अच्छा काम किया है, जो मेरी कहानी का कैरेक्टर था. तो अपने हॉबीज के बारे में कुछ बताइए. हॉबीज में क्या करते हो? सिंस दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक एथलीट सेक्शन, कुछ गेमिंग का भी शौक है? गेमिंग खेलते हो? यस, गेमिंग मुझे बहुत पसंद है. एक्चुअली मैंने पबजी बहुत ज्यादा, YCT, सैन एंड्रियास, मैंने तो बहुत बार खेले. तो बहुत जल्दी प्रशांत हमें फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग जो हमारा होता है उसमें बहुत जल्दी हमें प्रशांत ज्वाइन करने वाले हैं, एंड वी विल बी प्लेइंग पबजी ओवर देयर.
ठीक है. सो प्लीज गो एंड सी द फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग एनजी लाइव, दैट इज अ लाइव स्ट्रीम विच आई डू. सो जस्ट बी अ पार्ट ऑफ दैट. ओके सो प्रशांत ठीक है चलो, ये तो गेमिंग के बारे में बात हो गई. गेम हम लोग खेलेंगे तो ऑडियंस को पता चल जाएगा कि हम लोग क्या गेम खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे, कितने लेवल पे खेल रहे. तो फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? एक्चुअली मेरा एक फ्यूचर प्लान है अभी कि मैं खुद का एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करने वाला हूँ. हाँ. वहाँ पे मेरे कंटेंट होंगे खुद के और खुद का एक प्ले करूंगा. तो आपके लिए कुछ टीम है आपकी कुछ इसके लिए जो आप अपना करना चाहते हो या कुछ कुछ टीम क्रिएट करना चाहो? बेसिकली क्या होगा कंटेंट? सेम काइंड ऑफ कंटेंट जो आप हम देख रहे हैं या इट विल बी समथिंग लाइक वाइंस रहेंगे या समथिंग लाइक दैट? क्या रहेगा उसमें? उसमें सिर्फ वाइंस रहेंगे और खुद के कॉमेडी वीडियोस रहेंगे. कॉमेडी वीडियोस रहेंगे, एक्टिंग डेवलपमेंट के लिए कुछ रहेंगे मेरी पर्सनल के लिए. ठीक है. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल और थैंक्स फॉर कमिंग टू द चैनल. और गाइस डेफिनेटली मैं प्रशांत के चैनल का डिस्क्रिप्शन एक बार जब स्टार्ट हो जाता है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. प्रशांत विल बी कनेक्टिंग विद मी फॉर द डिफरेंट कोलैबोरेशंस व्हिच वी हैव प्लान्ड फॉर द फ्यूचर थिंग्स. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल नियोफाइट गेमर्स. और प्रशांत कुछ बोलना चाहेंगे आप चैनल के लिए? यस, ये चैनल जरूर देखिए और गेमिंग के लिए तो गेमिंग्स अच्छे है. हाँ बिल्कुल. तो प्रशांत यही कहना चाहता है कि गेम बहुत अच्छे हैं. ठीक है, मिल करके हम लोग गेम बनाएंगे एंड विल खेलेंगे भी. सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय.